Hello friends, how are you? Hope you are good today. So जैसे कि हमारी ये फायर अलार्म की ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं ऑपरेशन के बारे में बता रहा था, तो आप देख लीजिए अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। अब मैं बताता हूँ इसमें आपको क्लॉक कैसे सेट करनी है। पैनल के अंदर क्लॉक आपकी सही होनी चाहिए, टाइमिंग क्लॉक की। अदरवाइज़ कोई अलार्म आता है तो आपको टाइमिंग सही, हिस्ट्री में टाइमिंग सही नहीं पता लग पाएगी। तो आप पहले देख लें यहाँ पर टाइम कितना है, 7:37, वो सॉरी 10:37। सो मैंने ये टाइम चेंज कर दिया था, अभी अप्रॉक्सीमेट 11:25 हो रहे हैं। मैंने आपको ये बताने के लिए टाइम इसका चेंज कर दिया है, मैं इसको सही ठीक करूँगा। तो आपको कैसे करना है आप देखें, मेनू में जाना है, देन आप देख लोगे सेटअप में, सेटअप के नीचे ये F2 वाला बटन है, इसको प्रेस करना है। देन आप देख लोगे क्लॉक में जाना है। ओके, इधर ये आ गया, अभी जो 10:37 इसमें टाइम हो रहा है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं, अगर ये नेक्स्ट का बटन जो है, इसको नेक्स्ट दबाएंगे हम तो ये फिर इधर पहुंच जाएगा, अगला नेक्स्ट दबाएंगे तो ये संडे पे इधर पहुंच जाएगा, और फिर नेक्स्ट दबाएंगे तो ये मंथ पे पहुंच जाएगा, फिर ये नेक्स्ट दबाएंगे तो ये ईयर पे चला जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे है। तो अभी हम इस पे हैं, ये 10 को हमें सेट करना है, 11 लाना है। तो ये दो बटन है यहाँ पर, रिटार्ड और एडवांस। तो रिटार्ड का मतलब है थोड़ा पीछे जाना है, एडवांस का मतलब है थोड़ा आगे जाना है। तो हमें क्या करना है, अभी ब्लिंक इस पे कर रहे हैं तो रिटार्ड पे जाना है, देखिए पीछे चला गया, मगर मुझे आगे करना है तो मैं एडवांस पे जा रहा हूँ, 11 आ गया। इसके बाद मुझे इधर जाना है, ये मिनट्स पे जाना है, तो मिनट्स पे जाऊँगा मैं। मिनट्स पे जाने के लिए क्या करूँगा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट का बटन है ये, तो नेक्स्ट के नीचे नेक्स्ट पे जाऊँगा मैं, ये देखें मैंने नेक्स्ट प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करा मैंने, ये मिनट वाला जो है वो बिलिंग करने लगा। इसको भी सेम करना है मुझे, अभी 25 हो रहे हैं, 11:25, तो मैं एडवांस में जाऊँगा, पीछे नहीं जाना। पीछे आपको दिखा देता हूँ, देखिए पीछे जा सकते हैं, ये इससे 37 हो गया, बट मुझे पीछे ही जाना है, आगे भी जा सकते हैं, मुझे इसको 25 करना है। ट्वेंटी सिक्स कर देता हूँ, एक मिनट और बढ़ गया होगा अभी तक, आपको बताना, आपको बता रहा हूँ जब तक। सो इसके बाद मुझे इधर जाना है, देखिए नेक्स्ट के नीचे इस पर दबाना है आपको, इस पर चला गया। आज संडे 19 ही है, तो 19 ही है ये, आपको आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल इधर जो है ये डेट और मंथ बिल्कुल सही है। पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ करके, आप ऐसे रिटायर्ड में पीछे जा सकते हैं, बट मैं इसको आगे जाके ऐसे ही है। इसके बाद आप इसमें भी मंथ में भी जा सकते हैं, ये देखिए धुंधला दिख रहा होगा आपको, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट में गया, इधर आ गया, इसमें भी आप जा सकते हैं ऐसे रिटायर्ड में, एडवांस में जाके देख रहे हैं आप, मार्च में चला गया। इसके बाद आप फिर नेक्स्ट करके देखिए ईयर पे चला गया, ईयर को भी आप ऐसे कर सकते हैं रिटायर्ड में, एडवांस ईयर 2017 है तो मैं इसको रहने दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सेट करने के बाद आपको ये एंटर पर जाके एंटर करना है, ये देखिए आप देख रहे हैं ये डेट चेंज हो गई, 11:26 हो गई। तो ये था कि डेट कैसे चेंज करनी है पैनल के अंदर आपको। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।